मैनपुरी पहुंचे स्पोर्ट्स युवा बिग समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हसनुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर सभी खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान किया। इसी बीच मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि युवा हमारे देश की धड़कन है, अगर युवा शक्ति कायम रहे तो किसी भी मुकाम पर विजयी पाई जा सकती है। इसी बीच उन्होंने बताया प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज मैनपुरी के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह रखा गया है। बताया कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी का मनोबल ना टूटे और देश व प्रदेश में एक अच्छी पहचान बनाई जा सके, इसके लिए उनका सम्मान समारोह आवश्यक है। 2022 के चुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी पूर्ण तरह से लगी हुई है और विश्वास है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, जिसके लिए हम सब मिलकर युवा बिग के साथ काम करें और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। आज जो मैनपुरी आना हुआ है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो खुद भी एक खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के भी अच्छे खिलाड़ी हैं, और इसी खेल भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्पोर्ट्स विंग का गठन किया समाजवादी पार्टी में और उसका मुझे प्रभारी बनाने का काम किया। मैं हसनुद्दीन सिद्दीकी, वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, सीनियर इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट, रत्न स्वर्ण पदक विजेता हूँ। अच्छा, महंगाई को लेकर जिस तरीके से जनता तराई तराई कर रही है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब डीजल और पेट्रोल 55 और 56 रुपये था, तब आज की मौजूदा मंत्री बीजेपी की ईरानी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, ईरानी, और अब वो बहरहाल हम तो समझते हैं कि वो हिंदुस्तानी ही होंगी, लेकिन नाम ईरानी अलग चीज़ है। तो उन्होंने चूड़िया भेंट करने का काम किया था, ये सर्वविदित है, सबको मालूम है। और आज इतना बदल गई अपनी बात से, अपने वादे से, अपने इरादे से और अपने काम से, जो टोटली झूठ दर्शा रही है, सब लोग देख रहे हैं और बड़ा अशोभनीय कार्य हो रहा है। सेंचुरी पार कर चुका है डीजल पेट्रोल दोनों, ये बड़े शर्म की बात है। और धोखा देने के लिए फिर से 5-10 रुपए घटा देना महत्व नहीं रखता है। इस जनता के पैसे को जनता से लूट करके और दूसरे बहाने से थोड़ा सा खर्च कर देने से काम नहीं चलेगा। भरपूर भ्रष्टाचार हो रहा है इस सरकार में, वहाँ से ये क्या इस सरकार में जिस तरीके से अभी बात चली थी महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर, तो किस तरीके से इस सरकार में रुक रहा है और जनता इसी बात से ज़्यादा परेशान है कि महिलाओं के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? ये तो देश के आधी आबादी की बात है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा, जो आपने महंगाई की बात कही थी, तो खाने की चीज़ें, सब्जी भाजी, हर चीज़ महंगी हो गई और बेतहाशा महंगी हो गई है। और आधी आबादी महिलाओं की बात करें तो ये महिला सम्मान की भी झूठी बात करते हैं, जिस झूठ के लिए जाने और पहचाने जाते हैं वही सामने दिखाई दे रहा है। आप सोचें नाबालिग बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। पूरे देश की बात अगर करेंगे तो हम कठुआ में 5 साल की 8 साल की बच्ची से लेकर के और पूरे गुजरात और महाराष्ट्र सारा कुछ अगर कह देंगे तो हमारे लिए कई घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ये स्थिति है, ये वास्तविकता है। आप चाहे उन्नाव की बात करें, चाहे आप हाथरस की बात करें या कानपुर की बात करें, नाबालिग बच्चियों के साथ ये हरकत अशोभनीय कार्य। और उसके बाद बीजेपी के विधायक आज भी जेल में, बीजेपी के नेता आज भी जेल में, ऐसी स्थिति है। ऐसा कभी हमारे देश के इतिहास में नहीं हुआ, जिस तरह से शर्मनाक कार्य इन्होंने करने का काम किया है। मैं आज हमारे प्रदेश प्रभारी हैं स्पोर्ट्स के, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक नई विंग ये चालू की है। उसी के उपलक्ष्य में आज जनपद मैनपुरी में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के साथियों ने उनका स्वागत किया है। और जो बहुत हमारे ऐसे भी नौजवान हैं जो वॉलीबॉल भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स से अपना संबंध रखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनको एक अच्छा मौका मिलेगा पार्टी में पदाधिकारी बनने का और प्रदेश में घूमकर स्पोर्ट्स के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाएगा, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी।